नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, रेलवे से संबंधित बहुत जरूरी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल के साथ। दोस्तों, जब भी कोई अपडेट निकल कर आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपडेट सबसे पहले आपको बता सकूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें डिटेल के साथ होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से ट्रेन से सफर करने वाले हैं। और दोस्तों, किसी भी सुझाव शिकायत के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे यात्रा करने से पहले रेलवे की जानकारी ले लें, तभी ट्रेन में यात्रा करें, क्योंकि सरकार बार बार नियमों में बदलाव कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार क्या क्या बदलाव किए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच रेलवे ने ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने पहले केवल ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया था, फिर इसके बाद काउंटर रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में 1 जून से 200 ट्रेन चलाई जा रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने IRCTC सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है, जिसके बाद आपको रिजर्वेशन कराने वक्त पूरा नाम पता और मकान नंबर पूरी डिटेल देनी होगी, तभी आपका रिजर्वेशन हो पाएगा। जब आप पूरी डिटेल देंगे उसके बाद आपका रिजर्वेशन फॉर्म में भर दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको रिजर्वेशन टिकट मिलेगा। तो ये रेलवे की अच्छी शुरुआत है। रेलवे ने थोड़ा कठिन तो किया है रेलवे यात्रियों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके इस मामले पे अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।